यू वॉचिंग किंग कराची अली खान यूट्यूब चैनल, आप सबका खुश आमदेद और स्वागत है। मैं मौजूद हूँ आज सुबह स्मार्ट स्कूल के पास और आज सुबह का नाश्ता मेरे दोस्तों के साथ है, तो सोचा आपके साथ एक व्लॉग बनाते चलें। तो इस वक्त जो है वो हमारा नाश्ता आ चुका है, हम लोग नाश्ता करेंगे। अच्छा, ये नाश्ता हम लोग करते हैं स्मार्ट स्कूल के पीछे एक छोटा सा ढाबा है, इस ढाबे वाले का नाम है शान भाई, जो कि बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हैं। अगर आप सुबह सुबह अगर आप जल्दी काम पर जाते हैं और नाश्ता करके ना निकले तो सुबह सुबह आइए शान भाई के ढाबे पर और नाश्ता कीजिए, बहुत अच्छा नाश्ता कराते हैं। अच्छा, ये मेरी टीम बैठी हुई है पीछे, टीम क्या मेरे दोस्त हैं सारे, ये जो है जो अभी नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। और नाश्ता स्टार्ट कर दिया, इतने बेकार थे मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, नाश्ता शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो अभी हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद जो है वो थोड़ा सा और मैं आपको शान भाई से भी मुतारफ़ कराऊँगा कि वो खाना किस तरह बनाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, किस तरह खाना बनाते हैं, तो उनसे भी आपको मुतारफ़ करूँगा। ये मेरे पीछे मेरे शान भाई खड़े हुए। शान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से? शान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, ये शान भाई, ये इनका ढाबा है माशाल्लाह, और ये यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो आप आइए यहाँ पे नाश्ता कीजिए, बहुत टेस्टी सालन होता है इनका। शाम में सुबह कितने बजे तैयार होता है खाना? 8:30 बजे इनका ढाबा स्टार्ट होता है और दोपहर को 3 बजे तक इनका ढाबा चलता है। तो आप आइए, रोज़ नई नई किस्म की डिश ये बनाते हैं। तो आज क्या चल रहा है खाने में? सब्जी दाल आलू गोश्त। तो इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं किस तरह का खाना है, किस तरह का नहीं। तो भाई चाय वाले का केसर भाई भाई कभी बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कादर कहाँ है भैया? गाजर नहीं है भाई, तो इंशाल्लाह अभी खाना शुरू करते हैं, फिर आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। भाई यकीन मानिए इतना टेस्टी नाश्ता होता है ये। आप अगर एक बार इस ढाबे पे आएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत लज्जत आएगी और प्राइस भी कम और सबसे कम रेट है यहाँ पे ढाबे के अंदर। और आप आए इस तरह टेस्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए शान भाई हमारे लिए रायता भी लेके, और जितनी बार रायता मांगेंगे आप उतनी बार मिलेंगे। भाई पेट भर के हम लोगों ने नाश्ता किया, आप देख सकते हैं सिचुएशन, कुछ भी खाली नहीं छोड़ा है। 800 रुपया इस तरफ की प्लेटें देखें और खाने के बाद जो है वो आपको पता है चाय, तो ये चाय आ गई है और चाय के लिए जो है ये हम केसर भाई के पास जाएंगे, इनकी चाय बहुत मशहूर होती है और बहुत फेमस है। केसर भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत से आप? केसर भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? ये केसर भाई की चाय बन रही है, आप देख सकते हैं सर चाय बन रही है केसर भाई की। खाने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे चाय पीते हैं। ये केसर भाई की चाय है और ये ढाबा जो है वो गुरु मंदिर पे, आपने नर्सरी देखी होगी मेरे सामने, आपको नर्सरी नज़र आ रही है, नर्सरी के बिल्कुल बराबर में ये ढाबा है। तो इंशाल्लाह आप लोग सब आइए और जो है वो यहाँ का नाश्ता टेस्ट करिए और मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।